स्टेडियम ये आप दोस्तों अभी अभी मतीब जो है वो चूहे मारने वाली एक लेके आया है चीज ग्लू लेके आया इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उसामा निशाही और आज की व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो और अपडेट्स आपको आसानी मिलती रहें। तो आज सुबह के अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता कर लिया और अभी अभी हमारा ये प्लान बना है कि हम जो है वो अभी बैडमिंटन खेलेंगे। बैडमिंटन खेलने के लिए हमारे पास अभी शटल नहीं है तो हम अभी शटल लेने जाएंगे, शटल लेके आएंगे, उसके बाद हम बैडमिंटन खेलेंगे, उसके बाद जो जो होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो हमारे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खराब तो नहीं है एक वो गोल्ड फील्ड वाली शायद। हाँ? हाँ ये वाली ये कितने की है? अच्छी ना ये दो दे दी तो ये है उसका ग्राउंड स्टेडियम ये आप देख सकते हैं। अभी अभी इसका वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था ये उसकी अभी अभी पिक्चर लगी हुई है। इधर मैच होते रहते हैं, वैसे भी कोई हार्ड बॉल क्रिकेट के मैच होते रहते हैं। हाँ नॉर्मल इधर जो है वो मैच होते रहते हैं, इधर गुजरात सुपर लीग भी होती है। अभी तो इस ग्राउंड की थोड़ी हालत वो बुरी हुई है कोरोना की वजह से, वैसे ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। अभी जो इंटरनेशनल मैच हैं वो तो अब नहीं होते, पहले होते थे क्योंकि फ्लड लाइट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। शायद जोलाई या वो जो चौधरी परवेज लाई है वो इसका कोई बंदोबस्त कोई अरेंजमेंट करें, तो उसका अभी तक अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन ये है कि सीट्स बड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, बैठने की जगह आपको आराम से मिल जाएगी। तो अभी मैच तो नहीं खेलते लोग, लेकिन ये है कि लोग वॉक करने आते हैं। हाँ कभी कभी कॉलेज के मैच हो जाते हैं, स्कूल्स के मैच हो जाते हैं,
इसके आठ गेट सुपर लीग भी होती है। हाँ, इसकी गेट कितनी है मतलब? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गेट है। हाँ, इसके आठ गेट हैं और आठ ही एंट्रेंस हैं। जैसे कजाफी स्टेडियम की भी मेरे ख्याल में इतनी ही एंट्रेंस हैं, आठ ही एंट्रेंस हैं। तो इसका भी यही सीन है, ये देख सकते हैं। ये ग्राउंड है, साथ में ये इसके अंदर भी रेलिंग लगी हुई है, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। अभी आजकल क्योंकि आपको पता ही है कोरोना है, तो वैसे भी मैचेस वगैरह नहीं हो रहे, तो इतना कोई नहीं है, मतलब सख्ती नहीं है, तो हर बंदा आ सकता है। गुजरात का जो मेन स्टेडियम है, इसको जोरला स्टेडियम कहते हैं। इसको जोरला स्टेडियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोरला ने बनवाया था, चौधरी जोरला ने। तो इसके बैकग्राउंड में देखें, ये पीछे जो है वो कचहरी चौक है वो सामने, और ये स्टेडियम उसके अंदर। हाँ, इधर गुजरात के अपने मैचेस होते हैं, गुजरात सुपर लीग हो गया, कॉलेज के मैचेस हो गए, स्कूल के मैचेस हो गए, वैसे भी कोई भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, ट्रायल वगैरह लेनी हो तो वो फिर वो हो जाती हैं। उसका ये मेन गेट है इसका ना, इधर बॉक्सिंग भी होती है, इधर बॉक्सिंग वगैरह, ये जो एरिया है यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह होती है, वो बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते हैं। लेकिन आजकल जो है वो बंद है। ये देखिए सोलर सिस्टम का भी तमाम किया गया है, लेकिन फ्लड लाइट्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी, वो जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होता है तो ये काम शुरू करेंगे। आजकल जो ग्राउंड जिन मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनमें से एक ये है कि यहाँ पे जलसे वगैरह भी होते हैं। चौधरी जोरलाई ने अपने दौर में बनवाया था, उन्होंने काफ़ी काम करवाया था अपने दौर में, जिनमें से एक ये है कि उन्होंने एक स्टेडियम बनवाया था। ये जो है ना, ये वाली कुछ सीढ़ियाँ उन्होंने फीस की हैं, ये आप देख सकते हैं उसके ऊपर पेप्सी का लोगो वगैरह लगा हुआ है, वो सामने आधी आधी ठीक है आधी खराब, वो सामने चौधरी जोरलाई स्टेडियम भी लिखा हुआ है, वो आप देखें। साथ में पेप्सी की एजेंसी भी है, ये आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा बोतलें वगैरह इधर पड़ी हुई हैं। जी दोस्तों, स्कोरबोर्ड इसका, ये जो साथ लगे हुए हैं ये वाले, इधर वो एक दो तीन वो रखते हैं, इधर वो लगा देते हैं, स्कोर पता चल जाता है। मशीन है वो पिच की, और ये वो मशीन है जिससे पिच मवार होती है। तो ये था जनाब जोरला स्टेडियम, तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। ये जी था स्टेडियम, अब हम जाएंगे घर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर, तो मैंने देखा है कि कुछ पठान जो है वो हमारे घर के सामने खड़े हैं, और वो मिट्टी लेके जा रहे हैं किसी घर की तरफ, तो वो मिट्टी खोतियों पे लेके जा रहे हैं। आप इमेजिन करें वो खोतियों पे मिट्टी लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चले आए मेरे साथ और देखते हैं वो कैसे खोतियों पे मिट्टी लेके जा रहे हैं।
दोस्तों अभी अभी मतीब जो है वो चूहे मारने वाली एक लेके आया है चीज, ग्लू लेके आया है इसको, रेड रेड ग्लू स्नेयर। हाँ ये ग्लू है जी, इससे हम चूहे जो है वो पकड़ेंगे। हमारे घर में बहुत चूहे हैं, हमारे घर में चूहे बड़े हो गए हैं बहुत ज्यादा। रात को आप जब सोते हैं, रात को हम जब सोए होते हैं तो टक 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 की आवाजें आती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुछ चोर वगैरह ऊपर आ गए हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, तो मैंने कहा चलो यार, मैं तो सोया होता, मैं को नहीं परेशान होता। हाँ इसको कोई नहीं होश होती, इसको अपनी ही नहीं होश होती, तो इसको चूहे की क्या होश होनी है। तो अभी इसके पीछे डिटेल भी लिखी हुई है, अगर आपने मंगवानी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट 200 रुपए। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी 200 रुपए। मैं अभी अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं पता नहीं ये क्या चीज है। पहले तो हमने देखी हुई थी चूहे मारने वाली मशीनें होती थी, कड़ोकियां होती थी या पिंजरे वगैरह होते थे। अभी ये कोई नई चीज लेके आया, ग्लू है जी, कहते हैं इसको कहीं पे रख दो तो चूहा खुद बहुत आ जाता है और चिपक जाता है। इसके ऊपर कोई मीठी चीज भी रखती ये है। वाकई जो है ना ये एक नई चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, चले अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसकी, है इसकी पीछे डिटेल, अगर आपने पढ़नी हो तो पढ़ लेना। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, प्लेस वेयर द माउस रैट ऑब्जर्व, जहाँ पे चूहे आएंगे वहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले आपने इस तरह रखना है इसको खोल के, फिर जो है वो चूहा जो है इसकी स्मेल से आएगा, चूहा आके इधर फंस जाएगा, फिर आप इसको पकड़ लेंगे। इसको खोलो यार, मीठी चीज लगाएंगे तब ये इसके ऊपर मीठी चीज लगानी है, इसके ऊपर ये ग्लू है ना, ग्लू पे चिपक जाता है। ये देखें, ये इसको फेंक देते हैं छोपर। डेंजरस ग्लू है, चिपक जाता है इसके ऊपर। आग लगा दो तो क्यों? ना 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 ना, एक साइड पे लगाओ। अगर नहीं, मैंने लगाया था एक बार, मेरा पाँव आ गया था, किसी घर के घर में लगा हुआ था, तुम्हारा मेरा बॉल गिरा तो उधर, ये देखा, ये मेरा बॉल गिरा तो मैं लेने गया तो मेरा पाँव उसके ऊपर चिपक गया, साथ में चुई भी थी एक। चुई पे नहीं लगा है, इधर लगा था, इधर ये देखे, इसके ऊपर लगाते हैं, इसको लगाते हैं किसी जगह पे रखते हैं। मैं कोई मीठी चीज लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पूछ के आया तो कहते हैं इसको दो भी रख लेते हैं, मतलब दरमियान में से काट के अगर किसी दूसरे कमरे में भी आपकी चूहियां हैं तो उसको भी पकड़ सकते हैं। तो ये है हमारे पास नियाज, और ये जो है ना मीठे मीठे नियाज, मीठी मीठी, इसको कहते हैं मखाने। ये इधर ऊपर रखेंगे, इधर इधर रख लो, इधर रख लो, जिधर भी रख सकते हो रख लो। तो फिर इसको दरमियान में काट के एक हम दूसरे कमरे में रखेंगे, एक मैं अपने सराहने रखूंगा नीचे। तो फिर देखते हैं, आपको दिखाएंगे जब हमने पकड़ ली। तो चले हैं फिर इसको काटते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, मेरा आपका और हम सबका अल्लाह निगेबान।